हाय गाइस, इट्स मी डांसर सनातन। मेरे यूट्यूब चैनल डांसर सनातन में आप सभी का स्वागत है आज के फिर से ब्लॉग पर। तो अभी हो रहे हैं सुबह के, कितने हो रहे हैं वो तो आप लोग फिर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर पिछले बार वाला बोलिएगा कि आपका दिख रहा है कुछ और बता रहे कुछ। तो अभी हो रहे हैं 7:51 और जैसे कि यहाँ पर पापा सुबह सुबह काम पर लगे हुए हैं खटिया बनाने में, इधर समीर शिवम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। और कल क्या लोचा हुआ, यहाँ पर पापा कल रात को टॉर्च खोज रहे थे रूम में, और टॉर्च खोजते खोजते कैसे करके पैर फिसला, वो छोटा सीढ़ी था बांस का सीढ़ी, और उसमें पैर पापा का हाथ में चोट लग गया, जिसके चलते अभी देख सकते हो हाथ भी फूल चुका है, इसलिए वो पापा यूज नहीं कर रहे हैं। पेन किलर खाया है तो अभी रिलैक्स है, फिर अभी बाहर लेके जाएगा डॉक्टर के पास, अब देखते हैं क्या करेगा। एक्सरे कराने के लिए जाना पड़ेगा आज, लगता है पापा को लेके हॉस्पिटल एक्सरे करवाने के लिए जाना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ, मैं भी अपना पैर का जो घुटना का जो प्रॉब्लम था उसको और एक एक्सरे जो बोले थे करवाना है तो वो भी हम भी देखते करवा के। जैसे कि होता ना कुछ ना, मतलब सब कुछ अच्छा चलना होता है और कुछ ना कुछ उसमें लोचा हो ही जाता है। जैसे कि पापा का हाथ में जैसे कि आज देख बोले कभी वो चोट लगा है, और अभी उसके चलते कुछ कर भी नहीं पा रहे, पापा बता दे रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोगों को तो आता नहीं है, इसीलिए पापा डायरेक्शन दे रहे हैं इस तरह करो, और भाई उस पापा को हेल्प कर रहे हैं वो करने में, हमें तो ये सब करने आता ही नहीं है कि कैसे खटिया बनाया जाता है, इसलिए पापा उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और भाई उसको फॉलो करते जा रहा है। और ये जो रस्सी आप लोग देख रहे हैं, ये रस्सी ये लो घर का बोरा जो आप लोग देखे थे ना, सीमेंट बोरा जो था, तो उसी का रस्सी पापा पका के उसको मतलब बना के ये बनाया। देखिए ये एक रस्सी ऐसी हो गई कि टूटने वालों में से नहीं, ये वाला रस्सी है जो कि ये टूट भी सकती है, लेकिन ये टूटने वालों में से है ही नहीं, यदि हाँ आग लगा तब गलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, इतना मजबूत रस्सी और क्या हो सकता है बोलिए। अभी देखते हैं कि सिस्टर क्या बनाई खाने के लिए। अभी इधर चावल तो बन रहा है, गैस क्या हो गया, गैस खत्म हो गया, जिसके चलते सिस्टर को आग जलाना पड़ रहा है, तो अभी देखते हैं जब होगा तब गैस इसको भी भरना पड़ेगा। अभी इसी से इसीलिए चल रहा, सब कोई बोल रहे थे आप लोग गैस यूज़ नहीं करते, तो आप लोग तो ब्लॉग में दिखाए थे गैस है हमारे जो पीएम से मिली थी वही वाला जो सूती है, लेकिन अभी गैस ख़त्म हो गई तो भराने के जैसे कुछ पैसे होते हैं इसको भरा लेंगे हम लोग और इसका यूज होगा, तभी इसीलिए इसी आग से ही कोयला सही होती है हमारी। और यहाँ पर हमारी चाय बनी है, सिस्टर चाय बना के रखी है। यहाँ मैंने आपके लिए तो वो बिस्किट बचा के रखा है, खास करके तुम्हारे लिए, मेरे भाई के लिए। दे दो चाय ना, गर्म कर दो चाय को। दो गरम कर दो चाय से पहले। यहाँ पर दिया है चना फूलने के लिए, खास करके हम ही बोले थे इसीलिए, तो इसको पहले पी लेते हैं और कुछ चना भी ले लिए। सुबह सुबह खाली पेट में चना खाना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, तो आप लोग कौन कौन खाते हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ चाय गर्म होके आ चुकी है, चलिए इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। लास्ट में बिस्किट का जो गुड़ा सब बचा था डाला जा रहा है, इसको बोलते हैं पूरा पैसा वसूल करना। इधर से हमारी घर का वायरिंग शुरू हो गया, काम लगा हुआ है मिस्त्री दो, और पूरा धूल से पूरा भर गया है, अभी निकलेंगे धन्यवाद। उससे पहले चलिए थोड़ा सा छत पे होता है कि पानी दे लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख गया, नहीं देंगे तो फिर अभी ज़्यादा दिक्कत करेगी चढ़ने का रास्ता। ये चलते हैं थोड़ा सा ऊपर में जाकर पानी दे लेते पहले। से हमारा जितना पानी देना था छत पे दे दिए, अब चलते हैं और जाके क्या खाना बनाए खा लेते हैं और फिर निकलेंगे अभी डॉक्टर घर, अभी देखते हैं पापा क्या बता रहे हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग नीचे उतरते हैं। हमारे पास आ चुके छोला जो सिस्टर बना रहे थे सुबह, हमारे पास माल भात और आलू का भरता, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको खाते हैं।
गाइस इधर हम हो चुके रेडी और निकल रहे हैं अभी पापा हम जा रहे हैं। सिस्टर उधर अभी साफ करने के लिए निकलेगी। तालाब वो सब बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, इसलिए अब देखते हैं कितना लेट लगता है पहुंचने में और डॉक्टर हमारे क्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे धन्नो खड़ी है, धन्नो को लेते हैं और निकलते हैं हम लोग अब हॉस्पिटल। तो गाइस फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं, बाइक हम लोग बाहर खड़ा कर दिया, अब देखते हैं नंबर लगाना पड़ेगा। अभी हमें 37-39 दो नंबर मिला है पापा का भी और मेरा भी जो घुटने वाला प्रॉब्लम था। तो अभी देखते हैं कितना लेट होती है, इधर वेट कितना करना पड़ता है। वहाँ पे इधर बैठे हुए वेटिंग कर रहे हैं, देखते हैं कितना लेट लगती है। इधर तो काफ़ी भीड़ है, हम भी लाइन पे लगे हुए हैं। और पापा का ये लेफ्ट हैंड पहले टूटा हुआ था, ये वाला जो बोले थे, और ये वाला हाथ कल झुके हुआ इसमें, और देख सकते पूरा फूल गया है, ये हिलाने का भी लाइन नहीं है। डॉक्टर का हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हम और पापा दोनों, देखते हैं कितना देर तक डॉक्टर आते हैं। आए हुए पापा का एक्सरे करवाने के लिए, देखते हैं एक्सरे के बाद क्या रिजल्ट निकलती है। तो गाइस हो गया लोचा, पापा का जो क्लाय था वो टूट चुकी है और उसके लिए अभी पैसा बोला है कि 3,000 रुपया लगेगा। तभी देखते हैं बैंक में कुछ पैसे उसको निकालेंगे। अभी जा रहे ATM ढूंढ रहे इधर कहाँ मिलेगा। और प्लास्टर के लिए बोला अलग से आपको 800 रुपया लगेगा, तो उसको भी अभी पेड करना है, तो इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर ATM किधर हो गया मालूम नहीं, देखते हैं ATM सर्च करते हैं किधर मिल गया। आगे में एक ATM है, वहाँ एक ATM सामने दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं निकलता है। तो ATM कहाँ का है, पैसे निकालना है तो निकालिए। हाँ तो वही पूछ रहे हो क्या है नहीं है तो सर से तो ऐसे पैसे तो मिल गए हैं। अभी देखते हैं कि क्या लोचा हो गया यार, इससे हो गया ना दिक्कत। अभी जैसे पापा कुछ भी अब काम करते थे वो तो अभी उनसे हो पाएगा नहीं, और घर का काम जो भी करते थे बाड़ी वाड़ी सब कुछ वही करते थे, मम्मी के जानते हैं। अभी तो सब कुछ पापा के ऊपर डिपेंड था और उनका हाथ में ऐसे हो गया, घर में तो कोई से काम करने वाला है नहीं, उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड था। अभी देखते हैं कुछ सामान जो जो खरीदने बोले वो ले लेते हैं। फोटो नहीं है ना, फोटो का नहीं है ना कल ये तो देवी जी और कितने ले भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो लेके बहुत डिस्काउंट देता है ना तो कर ये बिल ठीक है सर। ये नंबर सर हमारी दवाई तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। धन्नो वहीं पे धूप में तब से खड़ी है वहाँ थोड़ा पहुँच। अभी फिर से निकल गए हैं, पापा का बैठा के रखे हैं, बड़े प्लास्टर होगा तो बोला कि कुछ नाश्ता के लिए ले आओ, 4 सिंगड़ा 4 जलेबी। पैसा 3,000 बताया था तो 3,000 में से वो जो हम लोग लेके जा रहा था तो वो बोला कि छोड़ दो तुमको 200 रुपया नहीं देना पड़ेगा, उसके बदले में जाकर तुम सिंगाड़ा ले आओ और बोल देना कि तुम्हारे पास उतना ही पैसा है। पता नहीं यार इतना पैसा बहुत ज़्यादा लेकिन लग रहा है हमको, जहाँ से लग रहा है 3,000 मतलब मायने करता है। समोसा भी है, 3 समोसा 3 जलेबी दे दीजिएगा। तो हाँ जी 4 समोसा दीजिएगा 4 जलेबी कर दीजिए। फिफ्टी से 2 रुपया बचा, मतलब 48 रुपया लिया। पापा का प्लास्टर हो चुका है और आगे हम लोग अभी बेड पे पापा को लेटा दिए हैं, पर आधा घंटा से कुछ जैसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लास्टर भी सूखने में वेट लगेगा। और अभी देखते हैं वेट करते हैं कितना देर बाद इधर फिर से हम लोग निकलेंगे घर पर। गाइस इधर हम लोग पापा का प्लास्टर हो चुका है, छुट्टी मिल चुकी है, अब हम लोग अपना धन्नो को लेते हैं। ये भी काफ़ी देर से यहीं पर खड़ी है और हम लोग भी तब से वेटिंग कर करके परेशान थे। अब चलिए फाइनली हम लोग घर निकलते हैं और फिर आगे ब्लॉग आप लोगों को कंटिन्यू बताते हैं कि क्या प्रोसेस क्या हुआ क्या नहीं इधर का बारे में। गाइस अभी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, पापा उधर जो कि आप लोग देखें हाथ का प्लास्टर लगा हुआ है अच्छा खासा, मतलब अब तो कुछ काम करने सकेंगे नहीं भाई। अब जो अभी रस्सी वस्सी निकाल रहा है तो बोरा निकाल के रख दे रहे, पापा जब करेंगे तो करेंगे, अभी नहीं। देखिए कुछ सीन थी, देखिए आप लोग यही जो हाथ से ये वाला पहले वाला ये नहीं नहीं कलाइट जो है ना,
कलाई टाही टूटल है पहलू ओखी नहीं टूटल तो हे हाथ ता लाई लट हां फिर दूसरा हाथ ता लाई है वो है डबंग लो तभी जैसे कि ठीक से रवन है तो ऐटा भांग तो अपन हमारा इसका प्लास्टर करवाने का 800 हाँ 2800 3000 ऐसे बोला था लेकिन फिर 200 घटाया पता नहीं किसके साथ कैसे ले रहा है एक को प्लास्टर को उसका पूछे तो उसका पूरा 2500 लगा मेरा 2800 कैसे क्या चार्ज है पता नहीं और वहाँ फिर दवाई का हम लोग लगा कम से कम करीब यहाँ सब कुछ मिला के 4000 जैसा खर्चा हो गया इस प्लास्टर वस्टर वगैरह दवाई वे लगा के अभी 45 ने 41 या 45 तो उतना का दवाई दिया है और उसके बाद फिर बोला है कि आगे बार इसको चेकअप करवा लीजिएगा तो गाइस ये कुछ सीन थी और मैंने अपना जो पैर वाला बताया था वो पैर वाला जो इसका दवाई लिए बोल रहा है इससे यदि ठीक नहीं हुआ तो फिर MRI वाला करवाना एक्सरे आपको करना पड़ेगा तो देखते हैं दवाई दिया है वो खा के देखते हैं यदि ठीक होती है तो नहीं तो फिर जाएंगे ठीक करवाने के लिए तो फिर ये वीडियो यही एंड करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बस टेंशन हो गया बस एक टेंशन बढ़ गया है तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई सोच के साथ और एक नई एनर्जी के साथ जो एनर्जी नहीं रहेगा फिर भी निकालने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा फिर से पैर हाथ नाक तोड़ ले ठीक ना कमेंट करके अगर हाथ टूटा है कुछ दिन के बाद पैर और टूट लेगा ये भी टूटने के बाद ये भी टूट लेगा उसके बाद चल अच्छा अच्छा चलते रहो तो ठेला गाड़ी की नहीं दबो ठेली देते समीर क्या शुभम करा के दबो तो ठेला चापे लो ठेलते रहो जाते रहो गुड़ गुड़ गुड़।